नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वेश्चन 6 का हल करेंगे। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए, इसमें चार भाग दिया हुआ है, चारों भाग को हल करते हैं। पहला भाग में दिया हुआ है x प्लस एक होल क्यूब। देखिए, इसको सर्वसमिका 6 की मदद से हल करेंगे। देखिए, ए प्लस बी होल क्यूब, उसी का ये दूसरा रूप है सर्वसमिका 6। इस सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। तो देखिए, एक्स प्लस वाई, तो देखिए इससे इसको तुलना करेंगे तो देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x और वाई बराबर 1। ठीक है, यानी देखिए इससे तुलना करेंगे तो एक्स बराबर 2x और वाई बराबर 1। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र से इसको हल करते हैं। 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, देखिए यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब, देखिए एक्स बराबर 2x वाई बराबर 1, और ये देखिए 3x, एक्स बराबर है 2x और ये वाई, ब्रैकेट देखिए एक्स प्लस वाई। ठीक है, देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं कारण में सर्वसमिका 6 का प्रयोग करने पर। ठीक है, देखिए सर्वसमिका 6 का प्रयोग करके इसको हल कर रहे हैं। देखिए 2 पर पावर 3 है, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1, यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे, 2 3 6, 6 × 1 गुना 2, तो देखिए 2 3 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, ये एक्स एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब इसको गुना करेंगे इससे, 2 देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, और इससे इसको गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए बड़ी घात वाला को पहले लिखेंगे, बड़ी घात वाला पद को, ये देखिए ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग, दूसरा भाग में दिया हुआ है 2a - 3b होल क्यूब। देखिए कोई संख्या पर जैसे जैसे a पर पावर 2 है तो ये क्या हो गया वर्ग। ठीक है, उसी तरह a पर पावर 3 ये हो गया घन। ठीक है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं क्यूब, हिंदी से स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, देखिए जैसे ये हिंदी से बोलते हैं वर्ग और इंग्लिश से स्क्वायर, उसी तरह ये हिंदी से हो गया घन और इंग्लिश से क्यूब। तो देखिए इसको सर्वसमिका 7 की मदद से हल करेंगे। ए माइनस बी होल क्यूब, उसी का ये दूसरा रूप है सर्वसमिका 7। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स बराबर, यानी इससे इसको तुलना करेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा 2a और वाई बराबर 3b। ठीक है, यानी इससे इस सूत्र से इसको तुलना कर रहे हैं तो इतना होगा। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब हो गया और ये वाई क्यूब माइनस 3, देखिए एक्स, एक्स का मान यहाँ हो गया 2a, देखिए एक्स बराबर 2a और वाई देखिए 3b, ब्रैकेट देखिए x माइनस वाई, तो y का मान यहाँ 3b। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 8, 8a³, ये 3 3 9, 9 3 27b³, और देखिए उसी तरह 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी
36, ये ए और ए गुना होगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी, तो ये बी रह जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस प्लस, ये दो तीन छः, छः तीन अट्ठारह, अट्ठारह। अब की बार इससे गुना करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करें और पहले गुना किए इससे और इसको, ठीक है, तो ये अठारह तीय चौवन ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा भाग हल हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं कारण में, सर्वसमिका सात का प्रयोग करने पर, ठीक है, सर्वसमिका सात का प्रयोग करने पर। अब देखिए तीसरा भाग, देखिए समय बचाने के लिए इसको पहले हल करके रख लिए, देखिए उसी तरह, देखिए इसको x मान लीजिए, ये y, तो ये एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब, ठीक है, तीन एक्स वाई, देखिए ये x का मान है, ये y, उसको गुना करें, देखिए तीन तिया नौ, देखिए तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस और ये दो दूनी चार, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको गुना किए तीन तिया नौ और ये एक के साथ गुना करेंगे नौ ही रहेगा, ये नीचे में दो है तो दो लिख दिए, ठीक है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, इसको इधर कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार ये हल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चौथा भाग, देखिए एक्स माइनस दो बटा तीन वाई होल क्यूब, देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये थ्री एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, देखिए ये सर्वसमिका सात की मदद से इसको भी हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तीन तीन कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये दो और एक्स एक्स गुना होगा, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये तीन तीन कट गया, ये दो दूनी चार और ये तीन है, देखिए वाई वाई गुना होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार ये भी हल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। वीडियो अंत करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और इससे पहले जितने भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं।